सिंह केलक के नेतृत्व में पावर हाउस के बाहर डेगाना शहर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने धरना देकर प्रदर्शन किया और राज्य सरकार से बिजली की बढ़ती दरों को वापस लेने की मांग की। पूर्व सहकारिता मंत्री ने बताया कि सरकार द्वारा बिजली के बिल के आड़ में जनता की कमर तोड़ने का काम किया जा रहा है। बिजली के बिल की बढ़ोतरी, अघोषित बिजली कटौती और मनमानी VCR भरने के विरोध में आज मैंने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ अधिशासी अभियंता के सहायक अभियंता कार्यालय बिजली बोर्ड डेगाना में शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन किया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मांग है कि सरकार द्वारा बिजली के बिलों में जिस प्रकार नियंत्रण वृद्धि की जा रही है उसे वापस लेकर कोविड संकट के कारण आर्थिक परेशानी से जूझ रहे जनता के बिलों को माफ करे और उनके राहत दे है। इसके साथ ही दूसरी तरफ राज्य सरकार दिन ब दिन बिजली की दरें बढ़ाकर लोगों की कमर तोड़ रही है और यही नहीं लोगों से बिना मीटर की जांच करी मनमानी शुल्क वसूल रही है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर बिजली की बढ़ती हुई दरों को वापस नहीं लिया गया तो भाजपा शीघ्र राज्य में एक बड़ा आंदोलन करेगी। इस अवसर पर सहायक अभियंता OP बाना व XCN हरिराम मीणा साहब को ज्ञापन दिया गया है। इस अवसर पर पूर्व सहकारिता मंत्री अजय सिंह कीलक, शहर मंडल अध्यक्ष प्रकाश चंद करवा, जिला मंत्री महामंत्री भंवर सिंह रेवत, लक्ष्मण मुआवाल, हनुमान जाजुंदा, विचिंद्र रिणवा, जितेंद्र धादी, स्टेफी चौहान, पवन पुरोहित, बिरदी चंद्र तोशिनवाल, सेवाराम धनवानी, राकेश करवा, नरसी राम कटारिया, जगदीश तिवाड़ी, दशरथ शेखावत, भवनलाल धोजक, सुशील जांगिड़, भेराराम सेन, सुशील भांबू, प्रेम परसरगरा सहित काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाई टेस्ट में